गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे पीपी और सुई का, और जो कि मैं अभी ट्रेड कर रहा हूँ इन दिनों। तो हम क्या ट्रेड करते हैं, ये 15 मिनट चार्ट है। इस पे आपको क्या दिख रहा है कि ट्रेंड तो अपसाइड है, लेकिन 1 मिनट चार्ट पे हम जाएंगे और वहाँ पे, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड जो होते हैं वो इधर ही कहीं मिलेंगे आपको। तो जब मैं इस चार्ट को जूम आउट करता हूँ तो आपको ये है, एक हाई मिलेगा। इस हाई से हमें एक स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है कि एक्चुअली मैं चल क्या रहा है, क्योंकि आप इधर से स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे ये सब गलत हो सकता है। हमें एक्चुअल हाई लेना है, ये वाला 2 दिन पहले का हाई है। तो इधर के बाद आपको जस्ट एक लाइन डालनी होती है, इस तरीके से स्विंग हाई पता करना पड़ता है। लोअर हाई, क्योंकि ट्रेंड डाउन है। अभी आपने देखा यहाँ से प्राइस इस तरीके से चला, तो उसके बाद ये वाला हाई बनाया था। फिर जब ये टूट जाएगा, ये वाला स्विंग लो, फिर जो हाई होगा वहाँ पे आप एक लाइन डालोगे, ठीक है। उसके बाद इस हाई से पहले लो ये था, ये जब टूट गया इधर, तो हमें इसकी लाइन इधर डालनी है। इस तरीके से किसी भी कॉइन पे आप ट्रेड करोगे या किसी भी फॉरेक्स एंड पे ट्रेड करोगे, तो इस तरीके से एनालिसिस ज़रूरी होता है। क्योंकि जिन लोगों के लिए जो स्कॉल्पिंग नहीं करते हैं, जो ट्रेंड के डायरेक्शन पे जाते हैं, तो ये वाला लो टूटा, उसके बाद हाई कौन सा बना, ये वाला। तो अभी यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये हाई कहीं भी बना सकता है, ओके। तो इस वाले हाई को हम वैलिड नहीं मान सकते, हम एक्चुअली इसके लो पे एक लाइन डालें। तो इस कंडीशन में प्राइस इधर भी जा सकता है, और हो सकता है इसका हाई विक से भी तोड़ दे, या फिर एक बहुत माइनर सी क्लोजिंग भी दे दे, फिर भी हो सकता है प्राइस नीचे जाए, इसका लो तोड़ने आए। अक्सर ऐसा होता है। तो यहाँ पे ये मैंने क्यों किया है इतना कुछ, सिर्फ एक रीज़न के लिए कि हमें पता चल पाए कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। अब ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, इनके मैप्स जो होते हैं, वो हो सकता है कि 2-2 दिन के बराबर हो, और हो सकता है बहुत टाइनी से हो। जैसे कि ये जो मैंने मार्क किया है वो है मेजर स्ट्रक्चर, और मेजर के अंदर माइनर भी है, ओके। माइनर के आप देखोगे अगर, तो यहाँ पे देखिए, इस लो का ये टूटा, ये हाई हुआ, इस लो का ये टूटा, ये हाई हुआ, इस लो का टूटा, ये हाई हुआ, ऐसे भी स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन इनकी वैल्यू उतनी नहीं होती है जितनी की मेजर की होती है, क्योंकि अगर मेजर में हमें बाई करना है, इसमें स्कॉल्पिंग छोड़ के, अगर स्कॉल्पिंग करना है आप, तो आप कभी भी इसको बाई कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, कोई भी, आपको इससे कोई मतलब नहीं है स्ट्रक्चर मैपिंग से, क्योंकि आप स्कॉल्पिंग कर रहे हो। लेकिन अगर आपको होल्डिंग करना है ट्रेंड साइड, तो जैसे यहाँ पे सेल होल्ड करना है, सेल आप होल्ड कैसे करते, आप इस तरीके से बैक साइड से स्ट्रक्चर मैपिंग अगर करोगे, तो ये हाई बनाया था, ठीक है। ये हाई के बाद इस हाई को इसने यहाँ पे आप देख रहे हो ब्रेक किया था, बहुत माइनर सा, और उसके बाद यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था। तो अगर इस हाई के पहले लो कौन सा था, ये वाला, तो इधर आप देखोगे अगर कि क्या हुआ, तो अब ये आपको दिखेगा कि ये जो है ये टूट चुका है, ओके। ये टूट चुका है, तो क्लियरली ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो गया है। बट आप इसकी मैप देखोगे तो बहुत बड़ा साइज है, यहाँ से लेके इतना बड़ा साइज है। तो फिबोनाची आप लगाओगे अगर इधर, तो आपको पता है कि ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो, 236 पे भी हो सकता है, 0.5 पे भी हो सकता है, 0.764 पे भी हो सकता है। तो इन बड़े स्ट्रक्चर्स पे स्कॉल्पिंग करना पॉसिबल नहीं होता है, इस पे हम लॉन्ग ट्रेड्स लेते हैं, लंबी लंबी ट्रेड है जो कि 2-2 3 दिन भी चल सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग ये एक्चुअली में स्ट्रक्चर टूट गया है, और इस चीज़ को थोड़ा क्लियर करने के लिए हम चलेंगे 30 मिनट्स के चार्ट पे। और 30 मिनट्स के चार्ट पे हम सब चलेंगे, यहाँ आपको क्लियर दिख जाएगा कि पीपी में क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो आपको दिखा है इधर से, जो इस तरीके से प्राइस चला था, हाई बनाया, लो बनाया, पहले इसने यहाँ से अप ट्रेंड किया था, क्योंकि ये वाला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, और इस तरीके से प्राइस फिर ऊपर गया था। इसका भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर माइनर सा किया है, लेकिन ये हो सकता है वैलिड ना हो। लेकिन उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर इसने अभी कल ही तोड़ा है,
कल रात के 3-4 बजे के आसपास इसने ये स्ट्रक्चर तोड़ा है। तो अब क्या है, प्राइस सेल पे आ गया है, और सेल पे आने के बाद ये जो कहीं भी ये लेवल से इस पे ये कंफर्म नहीं कह सकते, वो डिपेंड करता है एनालिसिस पे, लेकिन इधर से प्राइस फिर इस तरीके से गिरना चाहिए। ओके, सो ये उस उन लोगों के लिए है जो कि पोजीशन बना के रखते हैं, पोजिशनल ट्रेडर। स्कॉल्पर के लिए कतई नहीं है, क्योंकि स्कॉल्पर कहीं भी बाई सेल कर सकता है, नो प्रॉब्लम। ट्रेंड का उसमें कोई लेना देना नहीं होता है स्कॉल्पर के लिए, लेकिन स्ट्रक्चर मैपिंग सिर्फ उनके लिए होती है जो कि बहुत लॉन्ग टर्म पोजीशन या फिर 2-3 दिन के लिए पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। यही चीज़ हम सुई पे देखेंगे। अभी सुई पे आप देखोगे कि हमें एक्चुअल हाई मिल रहा है। अभी आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम में जाते जाओगे उतने बड़े बड़े हाई मिलते जाएंगे आपको, लेकिन हमें सिर्फ इंट्राडे में ही करना है, मतलब ऐसी पोजिशनल ट्रेडिंग जिसमें हमें ज़्यादा टाइम होल्ड ना करना पड़े। तो आप देखो इसकी स्ट्रक्चर मैचिंग देखो, तो यहाँ पे फिर यहाँ से फिर इसने इसका लो तोड़ा, तो यहाँ पे एक वीक हंटिंग हुई है, फिर उसके बाद जैसे ये लो टूटा ये वाला हाई हुआ, फिर हमारा ये लो टूटा फिर हमारा ये हाई हुआ, तो उसके बाद ये लो टूटा ये हाई हुआ, फिर उसके बाद ये वाला हाई नहीं लेंगे क्योंकि ये इसका लो नहीं टूटा है, लेकिन जब ये लो टूटा फिर ये हाई हुआ, इस तरीके से प्राइस गिर रहा है। इसका ये लो टूटा फिर ये हाई, फिर ये लो टूटा, उसके बाद कौन सा हाई बना है यार। ओके, सो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि ये बहुत छोटे छोटे ऐसे डिस्टेंस है। ओके, तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस नहीं है। अब बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, फिबोनाची को फॉलोअप करते हैं, तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग कि जैसे कि आपने देखा कि ये स्ट्रक्चर टूटा यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग फिबोनाची अगर हम लगाएंगे तो इधर से 50, कुछ लोग 50% पे से अगर सेल करेंगे तो इधर से रिजेक्शन तो आया, लेकिन ये प्राइस एक्स्ट्रा चला गया 236 के पास। तो यही होता है कि देखिए, प्राइस 236 भी जा सकता है, उसका हाई भी इस तरीके से वीक से तोड़ सकता है, लेकिन वो इनवैलिड नहीं होता जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग ना हो जाए। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे कि क्या होता है। फिर आपने देखा कि काफ़ी अटेम्प्ट हुआ इस काइंड ऑफ थिंग कि ट्रेंड चेंज हो जाएगा, बाकी माइनर चेंज ऑफ करेक्टर्स लाइक थिंग, यहाँ पे आप देख रहे हो माइनर, ये इसको हम बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, ये हमारा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है मेजर स्ट्रक्चर, लेकिन इसके अंदर जो ये आप देख रहे हो ये छोटे छोटे हायर हाई हायर लो बन रहे, वो होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, सो इन इंटरनल स्ट्रक्चर से हमें कोई लेना देना नहीं होता है, हम बड़ा पोजिशन नहीं लगा सकते इसमें, क्योंकि ये भले ही ये छोटे टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो ट्रेंड अप हो, लेकिन हम करेंगे सेल ही। और कुछ लोगों ने यहाँ पे सेल किया, कुछ ने यहाँ किया, कुछ ने फाइनली ड्रॉप यहाँ से आया। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग जो होती है वो होती है हमारी। और अभी फिलहाल क्या करना है सुई पे, अभी भी हम बाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ये जो जब तक ये वाली लाइन है इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हम बाई का नहीं सोच सकते। एक बार ब्रेकआउट हो जाएगा फिर हम बाई का सोचेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे। जैसे आपने इंटरनल स्ट्रक्चर पे आपने सोचा चलो ट्रेंड चेंज हो गया है, और उसके बाद अगर आपने गलती से भी बाई लगाया तो होगा क्या, इस तरीके से रिजेक्शन तो आएंगे जरूर, लेकिन स्कॉल्पिंग अगर आप नहीं कर पाए तो इस तरीके से कैंडल आएगी ट्रेंड के साइड और आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगी। अभी इधर क्या हो रहा है, इधर वाइक ऑफ कॉन्सेप्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है आप चेक कर सकते हो, ये अप स्प्रिंग है कि नहीं है, अप थ्रस्ट है कि नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर ये सही वाइक ऑफ का सेटअप है तो कंसोलिडेशन हो रहा है, आप देख सकते हो, इससे प्राइस ऊपर जा सकता है, लेकिन हम इस पर तब तक बिलीव नहीं करेंगे जब तक प्राइस इस लाइन का ब्रेकआउट नहीं करें। हो सकता है प्राइस इधर आए, आपने देखा ये बहुत छोटी डिस्टेंस थी और यहाँ से फिर गिरने लगा, लेकिन ये जो 10 ट्रेडर्स होते हैं वो तब तक बाई नहीं करते जब तक इसका ब्रेकआउट हो जाए। तो अब इतना कुछ झमेला करने का फायदा क्या है, कुछ तो फायदा होना चाहिए। देखिए फायदा यही है, सिर्फ ट्रेंड साइड ट्रेडर्स अगर आप हो तभी, लेकिन जैसे कि ये इस तरीके से यहाँ पे अगर ब्रेक होगा उसके बाद आप प्राइस इधर भी आ सकता है, ये 236 लेवल पे 50% भी आ सकता है, और हो सकता है प्राइस आए ही ना इधर,
और सीधे ऊपर चला जाता है, ऐसा भी होता है। तो ये थोड़ी रिडल्स बनाती है कि हमें कैसे एंट्री लेना चाहिए, कैसे एग्जिट लेना चाहिए। तो उसके टैक्टिक्स होते हैं जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बहुत सारे टैक्टिक्स होते हैं। कि पहला, इसके ब्रेकआउट पे कुछ एंट्री लेते हैं, मतलब पार्शल पोजीशंस लेते हैं, पूरी फुल पोजीशन नहीं लेते लोग, पार्शल पोजीशन। जैसे इसके ब्रेकआउट पे थोड़ी सी एंट्री ले ली, फिर 50% पे थोड़ी एंट्रीज डाल ली, फिर इधर डाल दी और स्टॉप लॉस इसके नीचे डाल दिया। क्योंकि अगर इसके प्राइस इस नीचे जाता है स्ट्रक्चर के, तो फिर कोई चांस नहीं है कि ट्रेंड रिवर्स होगा, ट्रेंड फिर गिरेगा ही गिरेगा। ओके, उसके बाद ये स्ट्रक्चर जहाँ तक है वो स्ट्रांग रहेगा, 1 मिनट का स्ट्रक्चर है। और अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो और कुछ आपको पूरा डिफरेंस सीन दिखेगा। इसलिए मैं क्या फॉलोअप करता हूँ कि एक ही टाइम फ्रेम को फॉलोअप करिए, लेकिन चार्ट को जूम आउट कर लीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इस इंटरनल स्ट्रक्चर को आप देख रहे हो, कम से कम 1 दिन का चार्ट आप देखो, 1 मिनट का, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस पर मिल जाएगी। तो इसमें स्कॉल्पिंग आप कर सकते हो भाई, लेकिन सेल सेल ही करना है हमें जब तक ये हाई नहीं टूटता। क्योंकि प्रीवियसली प्रूफ है कि ये हाई नहीं टूटा, तो फिर प्राइस उसका हाई नहीं तोड़ पा रहा है। ओके, किसी रीजन से अगर किसी ने यहाँ पे बड़ा पैसा लगाया तो कतई नहीं चाहेगा कि हमारे स्टॉप लॉस फिट हो। दैट्स वाई प्राइस इज एक्चुअली इन हिस्ट्री पुशिंग लोअर एंड लोअर, एंड इट्स अनेबल टू ब्रेक द हाई। इट्स बिकॉज ए बिग मनी, स्मार्ट मनी और जो भी आप बोलते हो उसको, वो यहाँ पे इन्वॉल्व हुई है। दैट्स वाई द ट्रेंड इज मूविंग। ओके, सो ये वीडियो था आपके स्ट्रक्चर्स पे ट्रेंड ट्रेडर्स के लिए। आई होप इट्स यूजफुल।